टुडेज मेन्यू विद शुभी मिन्हाज। तो आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो वीडियो शेयर करने वाली हूँ, वो एक मुझे ऑर्डर आया है, बहुत अच्छा ऑर्डर आया है और मुझे अच्छा लगेगा इसको पूरा करने में। तो ये है, एक लेडी है जो गरीब बच्चों को पढ़ाती है, तो उनके लिए वो केक बनवाना चाह रही हूँ। उनका बजट बहुत छोटा सा है, बहुत कम बजट है और वो उन्होंने कहा बना देने के लिए केक। उतने में तो होता नहीं है, हम बनाते नहीं हैं, लेकिन उनके लिए मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं कुछ दे पा रही हूँ किसी गरीब को, तो इसलिए मैं बनाऊँगी और अच्छे से बनाऊँगी। तो ये वाली वीडियो ही मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ, तो चलिए बनाते हैं। ये एक पाउंड का केक होने वाला है, तो इसके लिए मैंने लिया है एक कप वनीला प्रीमिक्स और इसके अंदर मिलाया है पाइनएप्पल इमल्शन, जिससे कलर भी आ जाएगा एक अच्छा सा और फ्लेवर भी आ जाएगा। अब इसको थोड़ा थोड़ा सा पानी दे करके हम एकदम बिल्कुल स्मूथ बैटर बना लेंगे, जैसा रोज़ बनाते हैं हम, और इसको अच्छी तरह से हम फेंटेंगे। तो ये मेरा बैटर रेडी हो गया है। अब थोड़ा सा हम इसको कट एंड फोल्ड वाले मेथड से भी मिक्स कर लेंगे, ताकि कुछ भी इसके अंदर अगर हो तो मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। अब इसके अंदर हमें डालना है ऑयल, तो एक टीस्पून हम ऑयल डालेंगे जिसमें कोई शार्प स्मेल नहीं हो, और फिर उसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अब मैंने टिन को ग्रीस करके और बटर पेपर लगा के रखा हुआ था, मेरा ओवन मतलब मेरा पतीला जो है वो प्री हीट हो रहा है। ये 6 इंच का टिन है मेरा, कम हाइट वाला है, इसी में मैं आज बनाने वाली हूँ। अब इसको हम टैप करके इसके बबल को निकाल लेंगे। मेरा आज ऑर्डर, कई केक का ऑर्डर, तो मेरा 2 पतीला चढ़ा हुआ है गैस के ऊपर, मेरा ओवन अभी तक ठीक नहीं हुआ है। इसको 25 मिनट तक बेक किया था, ये रेडी हो गया है। इसको बहुत गर्म है अभी और काम मेरा जल्दी का, तो उसको फ्रीज़र में रख दिया थोड़ी देर ठंडा होने के लिए। इधर क्रीम रेडी कर लिया, क्रीम में पाइनएप्पल इमल्शन मिलाया है, इससे मैं इसकी लेयरिंग करूँगी। ये क्रीम मेरी कल की बची हुई थी, तो इसको मैं लेयर में यूज़ करूँगी। और सोकिंग के लिए मैंने रेडी कर लिया है चीनी पानी और पाइनएप्पल क्रश का मिक्सचर। जब तक वो फ्रिज में ठंडा हो रहा है, तब तक मैं बाकी काम को कर ले रही हूँ। अब मेरा केक थोड़ा ठंडा हो गया है, अब इसके बटर पेपर को निकाल देंगे और इसके लेयर्स को कट करेंगे। तो इसे 3 लेयर में मुझे कट करना है, तो सबसे पहले ऊपर वाली लेयर को हटाएंगे और 3 लेयर में इसको हम काटेंगे। और केक मेरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बहुत ही सॉफ्ट बेक हुआ है। बहुत कम टाइम था मेरे पास, लेकिन बहुत अच्छे से बेक हो गया है, तो इसकी लेयर्स हम कट कर लेते हैं। ये केक मेरा बहुत ही अच्छी जगह पर जाने वाला था, इसकी बहुत ज़्यादा मुझे खुशी थी। अब केक बोर्ड लेना है, बोर्ड पर क्रीम लगाना है, उसको स्प्रेड करना है, पहली लेयर रखनी है केक की। इसको हम चीनी पानी और क्रश के मिक्सर से सोक करेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट केक था, फ़ौरन बना था, तो मैंने ज़्यादा सोक नहीं किया है, इसको बिल्कुल हल्का सा सोक किया है। उसके बाद अच्छी तरह से हम क्रीम लगाएंगे इसके ऊपर, उसके बाद हम इसको अच्छे से बराबर करेंगे क्रीम को, फिर हमें इसके ऊपर क्रश लगाना है। तो अच्छी तरह से कम 1 बड़ा चम्मच क्रश का इसके ऊपर डालेंगे और अच्छे से स्प्रेड कर देंगे, और इसी सेम प्रोसेस से हम अपने 3 लेयर्स को सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को वॉच कर लिया कीजिए पूरी, और अच्छी लगे तब इसको लाइक भी कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए जिनको बेकिंग में इंटरेस्ट है। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ कर दीजिए सब्सक्राइब और मुझे सपोर्ट कीजिए। कमेंट कीजिए, कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, प्लीज़ कमेंट कीजिए। एक वीडियो हम बनाते हैं उसमें बहुत मेहनत लगती है, अगर आप कमेंट करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिल जाता है उस काम को करने के लिए, तो प्लीज़ कमेंट किया कीजिए। अब ये केक की फाइनल लेयर मैंने रख दी है सबसे लास्ट नीचे वाली जो होती है, इसको भी हम हल्का हल्का सा सोक कर लेंगे। तो सोकिंग आप अपने हिसाब से कीजिए, कभी कभी होता है कि केक आपका ज़्यादा पक जाता है, ओवर कुक हो जाता है, ज़्यादा ब्राउन हो जाता है, तो उसको ज़्यादा सोक करना पड़ता है। अगर आपका केक एकदम परफेक्ट बेक हुआ है, ज़्यादा ब्राउन नहीं हुआ है, तो आप उतना ज़्यादा सोक मत कीजिए, उसको कम ही सोक कीजिए। ये सब छोटी छोटी चीज़ जो है, जैसे जैसे आप काम कीजिएगा उसके बाद ही समझ में आएगा, मुझे भी तभी समझ में आया है। कई दफ़ा मेरे से गलती हो जाती थी, और कोई भी गलती जो होती है अभी भी मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करती हूँ उस गलती को। अब क्रम कोटिंग हो गई है मेरी, तो अब हम बोर्ड को क्लीन करेंगे, उसके बाद हम इसको फ्रिज में रखेंगे 10 मिनट सेट होने के लिए। अब जो मुझे फाइनल फ्रॉस्टिंग करनी है, उसकी क्रीम रेडी कर लिया है मैंने, हल्का सा इसमें मिलाया पाइनएप्पल इमल्शन और इसको पाइपिंग बैग में भर लिया है, और नीचे से ऊपर क्रीम को हम लगाएंगे।
पाइपिंग बैग से लगाने का फ़ायदा तो आपको पता ही है कि इससे एक बराबर क्रीम लग जाती है। कभी कभी मैं नहीं भी लगाती हूँ पाइपिंग बैग से, जब जल्दी होती है, उतना टाइम नहीं होता है। अभी भी जल्दी थी, लेकिन जब तक सेट हो रहा था क्रीम ये केक फ्रिज में, तब तक मैंने इसको अपनी बाकी तैयारी कर ली थी। और कुछ क्रीम मेरी कल की बची हुई थी, इस वजह से मुझे थोड़ी सी आसानी हो गई। तो अच्छी तरह से क्रीम हम ऊपर से लगा लेंगे, और फिर सबसे पहले ऊपर से हम पैलेट नाइफ से इसको बराबर करेंगे, फिर साइड में पहले एक बार पैलेट नाइफ चलाएंगे, उसके बाद हम स्क्रेपर चलाएंगे। तो इससे एक्स्ट्रा क्रीम जो होती है वो निकल भी जाती है, और एयर बबल जितना क्रीम में होता है वो भी निकल जाता है। अब एक बार ही हम इस पर चलाएंगे स्क्रेपर, तो ये अच्छे से फिनिशिंग के साथ हो जाएगा। फिर कहीं पर क्रीम कम अगर लग रही है आपको, तो वहाँ लगा लीजिए, गैप है तो भर लीजिए। स्क्रेपर चलाइए और अच्छी तरह से इसको फिनिशिंग के साथ कंप्लीट कर लीजिए। तो ये हो गया है मेरा लगभग। फिर भी मुझे जहाँ जहाँ लग रहा है कि कम है क्रीम, वहाँ पर मैं क्रीम लगा रही हूँ। मुझे बहुत अच्छे से ये केक बनाना था, तो मैं पूरी अपने लगन से इसको कर रही थी, इस पर काम। जहाँ भी क्रीम मुझे कम लग रही थी वहाँ पर अच्छे से लगा रही थी। फिर मेरा हो गया, ये साइड वॉल कंप्लीट हो गया। अब ऊपर जो क्रीम एक्स्ट्रा है वो हम निकाल लेंगे पैलेट नाइफ को बाहर से अंदर की तरफ लाते हुए, और एक अच्छी सी फिनिशिंग ऊपर टॉप पर भी हम देंगे, और ऊपर भी जहाँ पर क्रीम लगेगी कम है तो वहाँ पर इस तरह से आप क्रीम लगाइए, लेकिन फिनिशिंग अच्छी होनी चाहिए। तो मेरा केक जो है ऊपर से भी बहुत अच्छे से क्लीन हो गया। अब केक बोर्ड को हम साफ कर लेंगे एक बार, और उसके बाद ये मैंने बलून नोज़ल लिया है और दो जगह पर क्रीम को डिवाइड कर लिया। एक में, एक जगह पर मैंने पिंक कलर मिलाया है एक क्रीम में, एक पार्ट में, और दूसरे पार्ट में मैंने ऑरेंज कलर मिलाया है। तो थोड़ी सी क्रीम में मैंने ऑरेंज कलर मिक्स कर लिया है, और एक साइड में पाइपिंग बैग में मैं पिंक कलर की क्रीम भर ली है, और दूसरे साइड में मैं ऑरेंज भरूंगी। इससे है कि दो कलर का आपका फ्लावर बनेगा। इस तरह से मैंने क्रीम भर लिया दोनों पार्ट में। इसके बाद इस तरह से टर्न टेबल को भी थोड़ा सा रोटेट करना, थोड़ा हाथ को रोटेट करना है, और बहुत ही प्यारा सा ये वाला फ्लावर बनता है बलून नोजल से। यहाँ पर ये वाला एक फ्लावर मुझे अच्छा नहीं लगा, तो उसको मैंने हटाया, जिसके वजह से साइड वॉल पर क्रीम लग गई, कलर ख़राब हो गया। तो फिर उसको मैंने इस तरह से ठीक किया और फिर से वहाँ पर फ्लावर बनाया, और जहाँ पर क्रीम लग गई थी वहाँ पर N1 नोज़ल में सेम क्रीम को भर के, सबसे पहले तो ऊपर सारे फ्लावर के ऊपर एक एक ड्रॉप करके फ्लावर बना दिया, और फिर जहाँ पर साइड वॉल पर क्रीम लगी थी वहाँ पर इस तरह से उसको कवर करने के लिए मैंने ड्रॉप ड्रॉप करके फ्लावर बना दिया। ये मैंने डिज़ाइन सोचा नहीं था, बस सही करने के लिए केक को, वहाँ पर कलर ख़राब हो गया था उसको ठीक करने के लिए ये करना पड़ा। और ऐसा करना पड़ता है सबको, जब कुछ होता है गड़बड़ी तो सबसे हो ही जाती है, तो उसको करेक्ट करना है आपको। बिना करेक्ट किए तो किसी को दे नहीं सकते हैं, देना भी नहीं चाहिए। तो कुछ भी ऐसा डेकोरेशन कर दीजिए जिससे आपका जो कि गलती छुप जाए। अब ये ग्रीन कलर की क्रीम मेरी बची हुई थी कल वाले केक की, उसमें थोड़ा सा येलो कलर मिला के कलर शेड लाइट कर दिया उसका, और इस तरह से मैंने लीफ बना दिया सारे फ्लावर्स के बीच में। तो यहाँ पर मैंने लीफ वाला नोज़ल लगाया है, आप पाइपिंग बैग को कट करके भी बना सकते हैं, और वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने आज नोज़ल लगा दिया था तो फिर मैंने चेंज नहीं किया, मगर मुझे जो ये नोज़ल से बनाते हैं वो लीफ सारी कट जाती है आगे से, और जब आप पाइपिंग बैग को कट करके बनाइएगा तो बहुत ही प्यारी सी लीफ बनती है। तो यहाँ पर मैंने लीफ बना दिया, इसके बाद मैंने इसके ऊपर छोटा वाला, बिल्कुल छोटा वाला पर्ल डाल दिया सारे फ्लावर्स के ऊपर में, थोड़ा सा सेंटर में भी डाला, थोड़ा सा साइड वॉल पर भी हम डाल दिया है। इसके बाद मैंने इस पर सिल्वर स्प्रे कर दिया एक प्यारी सी शाइन के लिए। तो बहुत ही प्यारा लग रहा था ये, और आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वाली डेकोरेशन आप लोगों को कैसी लगी। देखिए मेरी ये वाली डेकोरेशन हो गई है, से पास से दिखाती हूँ, ये देखिए ये वाली रेडी हो गई है, और ये बहुत अच्छी जगह जाएगी, वैसे बच्चों के पास जाएगी जिनको केक नहीं मिल पाता खाने के लिए, तो इसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। तो चलिए कल फिर मिलेंगे हम इसी तरह के कोई नए आइडिया के साथ, एक नए डेकोरेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।